आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में दिया है कि द प्लॉट्स ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ फॉर टू बॉडी ब्लैक बॉडीज एट टेंपरेचर T1 एंड T2 रेस्पेक्टिवली आर शोन। लेट द एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड बी E1 एंड E2। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट। तो E1 और E2 के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट उसने पूछा। देखो, इस सिचुएशन में उसने एक प्रॉब्लम किया कि उसने आपको सरफेस एरिया नहीं बताया। अगर सरफेस एरिया नहीं बताया है तो टोटल एनर्जी जो होगा वो आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो आपको इंटेंसिटी दी गई है, इंटेंसिटी क्या होता है, पावर बाई एरिया। तो पावर बाई एरिया का मतलब ये हो गया कि इंटेंसिटी को अगर आप टोटल एनर्जी के फॉर्म में लिखें, टोटल एनर्जी इंटू टाइम बाई एरिया, तो टोटल एनर्जी के लिए तो आपको एरिया से इंटेंसिटी को मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा एटलीस्ट मिनिमम। तो इसका मतलब आपको सरफेस एरिया पता होना चाहिए। अब क्योंकि सरफेस एरिया पता है नहीं, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका जो एरिया दिया गया है, ये एरिया, ये दोनों हमको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो भी स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी कर्व आपको दिया गया है, तो अगर इन दोनों के एरिया इक्वल हो गया तो हम कुछ आइडिया लगा सकते हैं क्या हो रहा होगा। समझ में आई बात? तो अगर ये हम अस्यूम कर लेते हैं कि दोनों के एरिया इक्वल है, जो कि जनरली होता है क्योंकि इनफाइनाइट इसमें बना हुआ है, तो अगर क्योंकि इंटेंसिटी इंटू लैम्डा करोगे सारे लैम्डाज के लिए, तो लगभग एक टोटल एनर्जी के फॉर्म में पहुंचेगा। ठीक है, तो इन दैट केस अगर आप उस हिसाब से सॉल्व करोगे तो एरिया अंडर कर्व 1 एंड एरिया अंडर कर्व 2 विल बी सेम, एंड एरिया अंडर कर्व 2 इज लार्जर देन एरिया अंडर कर्व। तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे सिंपल सा तरीका ये है कि आप क्या मान लो कि जो एरिया है दोनों बॉडी का वो सेम है। तो अगर दोनों बॉडी का एरिया सेम हो गया तो जो E1 होगा वो आप सिंपली निकाल सकते हो कि वो टी की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो जो E1 बाई E2 होगा ये डायरेक्टली हो जाएगा T1 बाई T2 की पावर 4। T1 बाई T2 क्या दिया गया है, 1/2। तो ये आपका हो जाएगा E1 बाई E2 जो होगा ये होगा आपका लगभग एटलीस्ट T1 बाई T2 इज इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ पर T1 बाई T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 की पावर 4। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, E2 इज इक्वल्स टू 16 टाइम्स ऑफ E1। तो यहाँ से देखो आपका एक आंसर ये हो गया। तो यहाँ से ऑप्शन 1 तो गलत हो गया। ठीक है, दूसरा कह दिया कि एरिया दोनों बॉडीज के लिए सेम है, तो सीधी सी बात है इंटेंसिटी पर ही डिपेंड करेगा सबको। अब ऊपर कर्व का आप एरिया देखो, तो एरिया में देखो क्या होता है, अगर आपने वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ा होगा तो उसमें जो रिलेट करते हैं लैम्डा को टेम्परेचर से, तो क्योंकि टेम्परेचर इंटेंसिटी से रिलेट करते हैं, तो यहाँ पर आप विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ को यूज कर सकते हो, क्योंकि आई से उसने लैम्डा रिलेट किया, उसमें हम टेम्परेचर से रिलेट कर लेते हैं। तो सीन ये है कि जो एरिया अंडर कर्व होता है वो तो सेम रहता है जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, केवल टेम्परेचर चेंज करने से कर्व शिफ्ट होता है, बट उसके अंडर का जो एरिया होता है वो कॉन्स्टेंट रहता है, यानी कि वो सेम आता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 3 आपको दिया है, एरिया अंडर कर्व 1 एंड एरिया अंडर कर्व 2 विल बी सेम, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, और ऑप्शन 1 जो हमको दिया है वो इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि उसमें E1 इक्वल टू 16 दिया गया है। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।